नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम पढ़ा प्लस थ्री फर्स्ट ईयर सेमिस्टर वन ओडिया ऑनर्स गाइड प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास प्राक सारला साहित्यर चर्जापद और नाथ साहित्यर दीर्घ प्रश्न उत्तर यार पूर्व दीर्घ प्रश्न उत्तर भिडियो गुड़ाक देखापी डेस्क्रिप्सन लिंक दिखाई से आप भिड देखिपारे। आज आम पढ़ा प्रश्न पंद्रह षोहल सतर। प्रश्न पंद्रह, नाथधर्मर धार्मिक मूल्यबोध विचार कर किंबा नाथधर्मर दार्शनिक दिग उन्मोचन कर। उत्तर, ध्रु धातु धर्म शब्दर उत्पत्ति, धारयति इति धर्म अर्थात जहाँ धारण कर रखे ताही धर्म, यह मानव जीवन आध्यात्मिक चेतनार उद्बुद्ध कराए, से उपलब्धि करे परममय विश्वकर्ता को और तार हृदय फुटी उठे धृति क्षमा दम अस्तेय इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्य अक्रोध आदि दस कोटी लक्षण। यही दस कोटी लक्षण मानवर अंतर्लीन अवस्था को ही बुझाई थाए। समाज रूपक गोटे पुष्पित वृक्ष में साहित्य और धर्म दुईट पुष्प मात्र, ये दुहे परस्पर अंगांगी भाव जड़ित, तेणु मानव धर्म द्वारा प्रभावित हो समाज में तार व्यक्तित्व जाहिर करे। ए दृष्टि नाथधर्मर धार्मिक मूल्यबोध को एठार विचार करे। नाथधर्मर आराध्य देवता, नाथधर्मर उपास्य नाथ स्वरूप शिवा, से स्वयं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अटंती। से सत्य असत्य जड़ चैतन्य द्वैत अद्वैत आदि अंतर्वर्जित और कल्पनातीत अटंती। केवल ध्यान जुगरे ही देवता शिव को साक्षात कर साधक मुक्ति पाए बोले यही धर्मर साधक मैंने विश्वास करती। शून्यवाद, द्विधा विभक्त बौद्ध धर्मर शून्यवाद दुई गोटी रूप धारण करता। हीनजानर शून्यवाद थी आत्मिक, जोटि की जगत तथा अन्य कौन जगतिक वस्त्र सहित संपर्क रखी नाला, किंतु महाजान आत्मा संगे समस्त धर्मर शून्यता गृहत है। समस्त इंद्रियग्राही वस्त्र आत्मतुल्य अनित्य और मरणशील बोली महाजानी बौद्ध साधकगण मत प्रकाश करुले। नागार्जुन अशोक बसुबंधु प्रमुख बौद्ध साधकगण निज निज ग्रंथ में एपरी शून्यवाद को आगे नेवाक शतचेषित थे। तेणु हीनजानर शून्यवाद को जुक्तितर्क बदल में खंडन करते अप्रतित्य समुत्पन्ने धर्म कश्चिन्न विद्यते जस्मभस्मात् शून्यो हि धर्म कश्चिन् विद्यते। यही शून्यवाद को नाथाचार्य मैंने निजर साधना क्षेत्र में ग्रहण कले। शून्य रूपी आकाश को नाथजोगी मैंने समाधि अवस्था उपलब्धि करने निर्देश दे। शून्य साधना बल जोगीर मन आकाश भली निर्मल विस्तारित पवित्र रूप से पर्यवसित हुए। शून्य साधना को से जोग साधना कुंडलिनी साधना वा शून्य उपलब्धि को समाधि व चित्तर उन्मनी अवस्था रूपे स्वीकृत देले। निर्माण को मध्य शून्य समाधि रूप से विचार कले। शून्य वायु संचारण नठार जलुवा दीपशिका जपर निश्चल रहे सेपरी शून्य समाधि साधकर चित्त निश्चल रही थाए। एथिरे साधक निजर व्यक्तिसत्ता सह जगत सत्तार शून्यता उपलब्धि कर समय चित्त अचंचल भाव अनंत शून्य उद्भूत प्रणव ध्वनि श्रवण कै। यहीटार शून्यता पूर्णतार और पूर्णता शून्यतार परिणत हुए। ये अवस्था जोगीर चित्तवृत्ति अनंत शून्य स्थिति शून्य कुंभपरी शून्य और अनंत समुद्र गर्भर जलपूर्ण कुंभ परिपूर्ण रही थाए। तेणु नाथधर्म परेशित शून्यवाद एकधार समस्त जगतिक वस्त्र शून्यता और साधनार पूर्णता यह निर्विवाद कहुपे। गद्य रूपे ए प्रसंगे शिशुवेद कहुई दश गुरु बंदिले पाइबा स्वरूप विचार अचल शून्यटी से ये दुहिंकर रूपरेख ना चक्षु निरंजन शून्य घेनी बर्णतिनी ना भितर निराकार पुरुष को देखी रहिले यहाँ निष्पत्ति जोग संवादी बोली शबद जे से ब्रह्म ध्वनिटी निःशबद से निर्ण चक्षुटी शणीमा को मनचक्षु जमईटी श्रुति मैधरे चैतन रीप होईटी ब्रह्म ध्वनि हेतु कला घेनी रहिले यहाँ अले कहब समाधि बोलीटी। तापर जोग साधना, वैदिक कालरु एही जोग साधना प्रचलन हो आसुला। तेज तत्वर मनुष्यर अस्थि मज्जा और बाणी जल तत्वर मूत्र रक्त प्राण पर एपरी पंचम करण से शरीर विकास होता। वैदिक जुगर यह साधना उपर विशेष प्राधान्य दि जाए ना कि सहजानी साधकगण यह साधना उपर विशेष गुरुत्व दे ब्रह्मांड को निज पिंड रही वर्णना करते। शास्त्र मत शरीर में समुदाय वास्तुसह नारी रही यथा द्वा सप्तति सहस्राणी नारी द्वाराणी पंजरे सुषुम्ना सांभवी शक्ति शेषस्तव निरर्थका। किंतु शिव संगीता अनुसार शरीर में 35 नाड़ी थिवार जना जाए। यही नाड़ी गुड़िक मध्य तीन गोटी नाड़ी श्रेष्ठ ताहा उची इड़ा पिंगला सुषुम्ना। बौद्धतंत्र में यह लालना रसना अवधूति बोली कहा जाए। ललना प्रज्ञा स्वभावेन रास नेपाय संस्थिता अवधूति मध्य देशे ग्राह्य ग्राहक वर्जिता। इड़ा हेउची बाम भाग नाड़ी और पिंगला हेउची दक्षिण भाग नाड़ी आ सुषुम्ना नाड़ी शरीर मध्य भाग में प्रवाहित होउची। यही सुषुम्ना नाड़ी मध्य सूक्ष्म भाव में बज्रा चित्रिणी ब्रह्म नाड़ी अवस्थित इड़ा पिंगला
ଅଲା ସୁଷୁମ୍ନା ତ୍ରୟ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହି ତ୍ରିନାଡ଼ୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କର ମିଳନ ଘଟେ। ଏହି ମିଳନ ଘାଟରେ ସାଧକ ସ୍ନାନ କରିସାରି ମୁକ୍ତି ପାଏ। ତେଣୁ ଚର୍ଯ୍ୟାକାର କହନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ମାଝେରେ ବହି ନାଇ ତହି ବୁଡ଼ିଲା ମାତଙ୍ଗୀ ଜୈୟା ଲୀଳେ ପାର କରଇ। ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ଗୁହ୍ୟଦ୍ୱାର ଠାରୁ ମେରୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବାହିତ। ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ଦୁଇଟି ନାଡ଼ି ମୂଳାଧାରରୁ ବାହାରି ଲଳାଟ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଚକରରେ ସୁଷୁମ୍ନା ସହ ମିଳିତ ହୋଇଅଛି। ସାଧକ ତାର ପ୍ରାଣ ପବନକୁ ଉକ୍ତ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳ ନାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚାଳିତ କରି ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ବହୁମୁଖୀ କରାଇଥାଏ ଓ ପରେ ସୁଷୁମ୍ନା ନାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପବନକୁ ଚାଳନା କରି ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରେ। ଏହା ହିଁ ହଟଯୋଗ ସାଧନା। ଏହି ହଟଯୋଗରେ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ନାମକ ଏକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଏହି କୁଣ୍ଡଳିନୀର ବୋଧଗମ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାଧକଗଣ ଶରୀରକୁ ଛଅ ଗୋଟି ଚକ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏକ ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ଯାହା ଗୃହଦ୍ୱାରରେ ଥାଏ, ଦୁଇ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ଯାହା ଲିଙ୍ଗମୂଳରେ ଥାଏ, ତିନି ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଯାହା ନାଭିମୂଳରେ ଥାଏ, ଚାରି ଅନାହତ ଚକ୍ର ଯାହା ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଥାଏ, ପାଞ୍ଚ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଯାହା କଣ୍ଠଦେଶରେ ଥାଏ ଏବଂ ଛଅ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଯାହା ଲଳାଟ ଦେଶରେ ଥାଏ। ତ୍ରିକୁଟରେ ଏହି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ। ତହିଁ ଉପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହସ୍ର ଦଳ ପଦ୍ମ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ ହିଁ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ବୋଲାଯାଏ। ବଜ୍ରଯାନୀ ଓ ସହଜଯାନୀଗଣ ଏହାକୁ ଚଉଷଠି ଦଳ ବା ଉଷ୍ମିଷ କମଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ କଥା। ଏମାନେ ସର୍ବେ ଯୋଗ ସାଧନା କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଏ। ହଟଯୋଗ ସାଧନା ଲାଗି ଗୋରକ୍ଷନାଥ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗମାର୍ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, ଯୋଗ ସାଧନା କାଳରେ ସାଧକ ନିଜର ଶରୀର, ପରିବେଶ, ସଂସାର ଓ ନିଜ ଅହଂଭାବକୁ ଭୁଲି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମନ ସ୍ଥିର ରଖିଲେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ସହଜ ହୁଏ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ତର୍ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବହିର୍ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ମଧ୍ୟମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦରେ ତ୍ରିଧା ବିଭକ୍ତ। ଅନ୍ତର୍ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଲାଟ ମଣ୍ଡପସ୍ଥିତ ଜ୍ୟୋତି ବା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରସ୍ଥିତ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିକୁ ସାଧକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖେ। ବହିର୍ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନାସାଗ୍ର ଠାରୁ ଦୁଇ, ଚାରି ବା ଆଠ ଆଙ୍ଗୁଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମରେ ନୀଳ, ଧୂମ ବା ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର କାଳ୍ପନିକ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ମଧ୍ୟମ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସାଧକ ସ୍ୱୀୟ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯେକୌଣସି ବସ୍ତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଧ୍ୟାନ କରେ। ଏହି ସମସ୍ତ ସାଧନ ଉପରେ ନାଥମାନେ ବିନ୍ଦୁ, ବାୟୁ ଓ ମନ ଏହି ତିନୋଟି ଧାରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଉପାୟରେ ଯୋଗ ସାଧନା କରି ନାଥଯୋଗୀମାନେ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ରରେ ଶକ୍ତିମାନ ଶିବ ଓ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳିନୀଙ୍କର ବିଳାସ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବାଦ। ନାଥଧର୍ମୀମାନେ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମର ଯୋଗୀମାନେ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସଚରାଚର ବିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ପରମ୍ପରମ ଶକ୍ତିମାନ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ ବିଳାସରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି। ଏହି ନାଥଧର୍ମୀମାନେ କିପରି ନିଜକୁ ଆକାଶ ସହ ମିଶାଇ ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଆଲୋଚକ କହନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ପ୍ରଜ୍ଞାତ ସମାଧି ବା ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିରେ ବସି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିମାନ ଶିବ ଓ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଚିତ୍ ବିଳାସ ସାଧିତ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସତ୍ତା ଉପଲବ୍ଧି କରେ। ନିଜକୁ ଆକାଶ ସହ ମିଶାଇ ଦେଇ ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଟି ସତ୍ତାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ନାଥ ଧର୍ମର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧି। ଉପନିଷଦର ଜିଜ୍ଞାସୁ ଋଷି ଓ ସହଜବାଦୀ ବୋଧମାନେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନାଥଯୋଗୀମାନେ ଏହାର ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଗୋରଖନାଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚରା ଚୌର ଯୋଜନାତିଶ ଯୋଗୀ ପିଣ୍ଡ ସମୃତି ଭବତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ନିଜ ଶରୀରରେ ଚରାଚର ବିଶ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରେ ସେହି ପ୍ରକୃତ ପିଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ। ଯୋଗୀ ତାର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସପ୍ତପାତାଳ, ତ୍ରିଲୋକ, ଚତୁର୍ଲୋକ, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର, ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ, ନବଖଣ୍ଡ, ନବନଦୀ ଓ ଅଷ୍ଟକୁଲ ପର୍ବତକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ। ପୁନଶ୍ଚ ସେ ହସ୍ତକୋଷ୍ଠୀରେ ସପ୍ତପଂଶତି ନକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ନବଗ୍ରହ, ପଞ୍ଚଦଶ ତିଥି, ବାହୁରମ କୂପରେ 33 କୋଟି ଦେବତା, ଅସ୍ଥିସନ୍ଧିରେ ଦାନବ, ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସାଦି, ବକ୍ଷରେ କୁଳନାଗ, କକ୍ଷରୋମରେ ସନକାଦି ମୁନିଗଣ, ଅଶ୍ରୁପାତରେ ମେଘମାଳା, ନେତ୍ରଦ୍ୱୟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଜାନୁରୋମରେ ଗୁଲ୍ମ ତୃଣାଦି, ପୁରୀଶରେ କୃମି କୀଟପତଙ୍ଗାଦିର ବାସସ୍ଥଳୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ। ତାପରେ ଗୁରୁବାଦ। ନାଥଧର୍ମୀଗଣ ଗୁରୁବାଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଧର୍ମର ଗୋରଖନାଥଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଥଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟରେ ଥିବା ଗୁରୁବାଦକୁ ଏମାନେ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଚର୍ଯ୍ୟାକାରଗଣ ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ସଦ୍ଗୁରୁ, ବଜ୍ରଗୁରୁ, ବରଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରି ସାଧନା କରିବାକୁ ସାଧକଗଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସହଜ ସାଧନା ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁହ୍ୟାତ୍ ଗୁହ୍ୟମ୍। ଗୁରୁଙ୍କର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗୁହ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେବା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ନ ବିନା ବଜ୍ର ଗୁରୁଣା ସର୍ବକ୍ଲେଶ ପ୍ରହାଣଙ୍କମ୍ ନିର୍ବାଣ ଚ ପଦଶାନ୍ତମ୍ ବୈବର୍ତ୍ତିକ ମାପ୍ଲୁୟାତ୍। ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ସାଧକ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପହାର ଆଦି ଦ୍ୱାରା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପନ୍ଦାପନା କରେ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇଥାଏ। ତାହାପରେ ମହାମୁଦ୍ରା ସହ ମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନୁସାରେ ସାଧନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହୋଇ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥାଏ। ଏପରି ଗୁରୁବାଦର ପରମ୍ପରା ପଞ୍ଚସଖା ସାହିତ୍ୟରେ ବିରାଟକାୟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗୀୟ କବି କହିଥିଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା, ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଜଲେ ବୈଠା। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନାଥଧର୍ମୀମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିବା ଜଣାଯାଏ। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭେଦ କରି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଅଲୌକିକ ଅତିଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯେପରିକି ବହୁ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥାଏ,
एथिलागि साधक ब्रत हुए यही क्षण से ही गुरुर आवश्यकता रही एतेबेले ही गुरु साधक को साहाय्य करिथाय। नाथ धर्मर गुरु ही गोरखनाथ और से ही सद्गुरु। सद्गुरु लक्षण में कह जा बाउम मात्रेण बा दृक्पात मात्रेण बा सम्यक अवलोकन बा तत्क्षणात मुहूर्व शांति मत्ताम नयति जह स सद्गुरु भवती। नाथ धर्म यह पूर्ण मात्रा ग्रहण कर तापरे सहज तत्व बौद्ध धर्मर सहज तत्व और नाथ धर्मर सहज तत्व संपूर्ण भिन्न। नाथ धर्मीगण पाशविक संस्कार को त्याग करी ईश्वरानुरागी होती। नाथ जोगी जोग साधनर अंतिम पर्यायर शून्य चक्र से शिवशक्ति सहज मिलन दर्शन करती। शिवशक्ति एपरी अनंत चित्त विलास सहज परम तत्व सामरस नाम कथित होता है। ही जोगी परमेश्वर अद्वय भाव उपलब्धि करें। एपरी सहज तत्व को उद्धति दे आलोचक डॉक्टर दोल गोविंद शास्त्री कहती तंत्रेति सहजादि चतुष्टये सहजमति लक्षणतिथि शेषः विश्वातीतम इंद्रिय गोचरम परमेश्वरम सर्वनियंतार नाथम विश्वरूपेण निखिल रूपेण भासमानम इंद्रिय विषयात्तम प्राप्तमिति ज्ञात्वा अनुभूय परमेश्वर विश्व इत्यादि शब्द प्रसक्त भेद निवृत्तये एकमावास्तिति स्वस्वभावेन स्वतो निःश्वासवत् प्रवृत्ति विशेषण यज्ञानमनुभव तदेव सहजमिति। अर्थात मनुष्य जेपरी निजर निश्वास प्रश्वास क्रिया बिना चेष्टार सहजर साधन करें सेपरी भगवत अनुभव जीवपक्षर सहज और स्वाभाविक। तेब एक सत्य नाथधर्मी मैंने सर्वधर्म समन्वयवादी एने एकाधार शैव शाक्त बौद्ध जैन और वैष्णववादी समस्त धर्मर दर्शन को सामान भाव में देखती। सब क्षेत्र में एने नाथ स्वरूप उपलब्धि करती। विशेषकर शरीर तत्व उपर गुरुत्व प्रदान करती। काया शुद्धतार साधना फलप्रद हो विश्वास। शरीर को शुद्ध सुस्थ रखापी एम किपर रासायन विद्यार साज्य नि संपर्क आलोचना कर आलोचक कहते एमित्त से हट योग प्राणायाम रसायन विद्या आदि अभ्यास करती। प्रथम बिंदु धारण कर शरीर को ओजस्विनी और योगक्षम रखि था परे परे हट योग और प्राणायाम साहाय्य काय को सेमाने सिद्ध करी अज्रामर कर दिखती। एथनिमित्त जोगी माने मध्य रसायन विद्यार सहचर्य नहीं था। एणु विभिन्न प्रकार आयुर्वेद शास्त्र अध्ययन अध्यापन और औषध प्रस्तुत कर तार उपयुक्त विनियोग जोगी माने विशेष पारदर्शी। यह फल से निजर काय को सिद्ध करने सहित उपकार करपारती। प्रश्न सुहल ऐतिहासिक दृष्टिकोण नाथ धर्म को विचार कर। उत्तर सहजिया बौद्ध धर्मर ओडिशार समाज को मुक्त करने नाथ धर्मर सृष्टि जार आराध्य देवता होती शिव और मुख्य ग्रंथटी हूँ शिशुवेद जो थे नाथ धर्मर समस्त नियमावली तथा योग साधन प्रणाली पूर्णरूप वर्णित। तेज यही नाथ धर्म किपरी ओडिशार बेस लोकप्रियता हासिल करहार एक ऐतिहासिक बरणी एठार प्रदान करे। आराध्य देवता शिव ब्रात्य शैव मानर योग पंथर नाथ धर्मर सृष्टि आदिनाथ शिवों ठारूँ धर्म सृष्टि होता नाथ धर्म कहुए। शिव को आचरित योग पंथा को नाथजोगी मैंने निजर साधन पंथा रूपे ग्रहण कर तेज प्राचीन अवक्षयी समाज को रक्षा करे दायित्व ता दर्शाई डॉक्टर प्रदीप्त कुमार पंडा कहते द्वादश शताब्दी अवक्षयी समाज को आध्यात्मिक स्खलन रक्षा करने निमित्त गोरखनाथ और मच्छेन्द्रनाथ प्रमुख संस्कारक जोगी मैंने सुप्राचीन चित्तवृत्ति निरोधक योग परंपरा को आधिभौतिक आचार मध्य ग्रहण करे। ब्रात्य मानी एम वैदिक संस्कार को छाड़ केवल समाज में योग मार्ग प्राधान्य प्रचार कले से काल अवक्ष समाज सत्ते जपर आकुल प्राण योग बोली एक रक्षा कवचर प्रतीक्षार रही समाज योग परंपरा गृहत हो सहित गोरखनाथ और मच्छेन्द्रनाथ प्रभृति नवनाथ मान प्रचारक स्थान उठी देवता भाव में पूजित हेले। ब्रह्म व्यवहार पुराण ब्रह्मांड पुराण स्कंद पुराण शाक्त प्रमोद विभिन्न आगम तंत्र एवं संहिता आदि गोरक्ष एवं अन्य नाथजोगी मानकर सविशेष वर्णना प्रदत्त होती। पुराण रे नाथजोगी प्रसंग स्कंद पुराण केदारखंड चौरस्तर अध्याय आदिनाथ अनादिनाथ भगनाथ सत्यनाथ मच्छेन्द्रनाथ और गोरखनाथ प्रमुख नवनाथ परिचय मिली थाए। श्रीमद भागवत द्वादश स्कंद महाराज ऋषभ देवंकर शतपुत्र मध्य नौ जन नारद उपदेश योग मार्ग उद्धार लोकमंगल निमित्त कैलाश गमन पूर्वक शिव वरप्राप्त करते। भागवत एमाने नवजोगींद्र नवनारायण नाम से परिचित। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी भागवतस्थ नवजोगींद्र को ऐतिहासिक नवनाथों सह परिचित कराई कवि मच्छेन्द्रनाथ करभाजन गहनीनाथ अंतरिक्ष जालंधरनाथ प्रवृद्ध कानिपा आविर्भूत नागनाथ पिपलायन चरपटीनाथ चमस रेवानाथ हवि भर्तुहरिनाथ और द्रुमिला चंद्रंकु गोपीनाथ रूपे परिचित कर।
तापरे सर्वभारतीय स्तर रे नाथजोगी प्रसंग पुराण मानक व्यतीत भारत विभिन्न प्रदेश में भिन्ननाथी गोरखनाथ और अन्य नाथजोगी मानक संपर्क में बहुत लोक कहानी रही है। नेपाल गोर्खा जातीय उत्तर प्रदेश गोरखपुर सहर गोरखनाथ स्मृति स्पष्ट बोली गवेषकगण मत दे यह छड़ा मीननाथ और मच्छेन्द्रनाथ और अन्यान्य जोगी मानक चारित्रिक स्खलन और सिद्धजोगी गोरखों द्वारा से उद्धार संपर्क में पर्याप्त परिमाण में कौतूहलप्रद लोक कहानी नेपाल महाराष्ट्र पंजाब बंगदेश और सिंहल प्रभृति अंचल शुणा जाए। नेपाल प्रभृति राज्य में गोरख और मच्छेन्द्र मूर्ति अवलोकितेश्वर रूपे पूजा पाँच विभिन्न पंथार जोगी नाथधर्म लोकप्रियता अर्जन करने यार आचार्य और सेमान आचार्य को केन्द्रको सत्यनाथी धर्मनाथी पगलपंथी कन्नड़ आयुपंथी भर्तृहरिनाथी हेतुपथ धाड़ीपथ राजकच्छड़ अगरपथ और तुलानाथ प्रभृति बारगोटी शाखा सृष्टि होता यमर रूप भेक दंड आचार और मंत्र प्रत्येक भिन्न प्रत्येक स्वतंत्र पीठस्थान रही देखा जाए। नाथजोगी बेश नाथजोगी मैंने कान में एक गोलाकृति कुंडल परिधान करमें जोगी मान कान फटा व कान चीरार जोगी कहुए दीक्षा ग्रहण व कर्णबोध समय जोगी को यह कुंडल प्रदत्त हुए जेकोसी जातिर लोके नाथधर्म ग्रहण करपारती नाथधर्म अनेक जोगी गृहस्थाश्रम जीवन धारण करृहस्थाश्रम थी एम निष्ठापर जोगी को मार्ग में जीवन चर्चा कर नाथपीठर सर्वोच्चकर्ता महंत नाथपीठ मानक महंत सर्वोच्चकर्ता रूपे निजुक्त होती महंत जीवित थिबा अवस्था जन उपयुक्त चेला बाछी आशावाड़ी झूला डोर कोपिनी आदि दे मठ गादी अभिषिक्त करती बाहर को बाहर महंत गेरु वस्त्र परिधान कर हाथ में त्रिशूल बैरख कड़ा डम्बर शंख और लाऊपात्र धरती जोगी मैंने साधारण रुद्राक्ष माला धारण करती गृहस्थ जोगी मान खाद्य कौन सी नीति नियम न थाए से आमिष निरामिष सब प्रकार खाद्य खाती किंतु महंत मैंने प्राय निरामिषाशी नाथगुरु मीननाथ मठठार जन्म होगा प्रवाद थतक जोगी मछ खाती ना तेब एम सांसारिक बंधन मध्य रही श्रृंखलित तो जीवन जापन भिक्षावृत्ति वैद्य कार्य कर रोगी मुर्मूष मानक सेवा कर जनहितकर कार्य करती। तापर प्रश्न सतर प्राग सारा साहित्य चर्चा गीतिका और नाथ धर्ममूलक साहित्य ओडिया भाषार आद्य ओंकार ध्वनि तोलीला आलोचना कर उत्तर ओडिया साहित्यर इतिहास पर्यालोचना कले जना जाए जे प्रथम ओडिया भाषा और साहित्य आदिपरी नाला युग पर युग अतिक्रम कर ओडिया भाषा और साहित्य मार्जित रूप से आम पाखे पहुंची आ सारी एपरिक साहित्य पुरतन पूर्व त्याग नूतन रूप से रूपायित होती संपर्क में डॉक्टर बृंदावन चंद्र आचार्य ओडिया साहित्यर संक्षिप्त परिचय ग्रंथरे कहते साहित्यर गति नईर सुअपरी नई जपरी सामना आड़ को माड़ी चलला बेले बाट मझीरे बंक झूले गति बदलाए साहित्य मत से सबुले सहज सरल भाव में गति करे ना से मध्य नदीपरी मझीरे मझीरे बांक बुलवा संगे संगे गोटाए विशेष धरण विशिष्टतार मंजित ही प्रवाहित होता है नूतन विशिष्टता अर्जन करने नूतन रूप से रूपायित होगा लगी नईर बांक बुलवा जपर साहित्यर गति परिवर्तन प्रयोजन पुरतन रूप बर्जन कर नूतन विशिष्टतार और रूप से रूपायित होगा लगी तेब ए जावत जो आलोचक और समालोचक मैंने ओडिया भाषा साहित्यर जुग विवाचन करती स्पष्ट अनुमान हुए प्रथम आदिजुग अर्थात ख्रीष्टीय नवम शताब्दी चौदहश शताब्दी मध्यरे एही जुग आरंभ होता एही जुग मुख्यतः सारला पूर्ववर्ती जुग तेणु एही जुग को प्राग सारला जुग कहुगर बौद्ध सिद्धाचार्य मान चर्चापद गुड़िक रचित हो प्रचार करर्चापद गुड़िक बौद्ध महाजन संग्रहालय गोटे शाखा सहजान सांप्रदायिक सांतन संगीत एथेरे आम ओडिया भाषा साहित्यर प्राचीनतम निदर्शन देखा पाई या छड़ा ताम्रलेख शिलालेख सौखित साहित्य अर्थात लोकगीत व्यतीत नाथ धर्ममूलक बहु गीता साहित्य देखा मिलता है तेरे पूर्वोक्त चर्चा गीतिका व्यतीत प्राग सरला जुगर यही नाथधर्ममूलक गीति साहित्य प्राचीन ओडिया भाषा साहित्यर महत्व को दर्शाई थाए डॉक्टर बृंदावन चंद्र आचार्य कहते प्राचीनतम ओडिया साहित्यर उल्लिखित दृष्टांत भिन्न नाथधर्म संक्रांत अनेक रचना आदि युग ओडिया साहित्यर निदर्शन रूपे आविष्कृत होती शिशुवेद अमरकोश गीता गोरेख गीता मच्छेन्द्र गीता सप्तांग जगधारण और अनेक भजन नाथधर्मर सांप्रदायिक रचना रूपे परिदृष्ट हुए एगुड़िकर रचना काल द्वादश ठार चतुर्दश शताब्दी मध्य सीमाबद्ध वर्णनात्मक काव्यशैली पुष्पलता एसब रचनाबंदी को एक विशेष प्रभावान रूप प्रदान कर यह नाथधर्म बौद्धवादर रूपकात्मक संकेत बहन करें बोली इतिहासकार सुरेन्द्र महांती मत दे कहते पृष्ठभूमि एपर्यंत मिले नाथपंथी मानक स्वल्प परिमित साहित्य को सहजा चर्चापदर परवर्त ओडिया साहित्य बोली अनुमान करे वस्तुत नाथधर्म मध्य बौद्धधर्म आत्मरक्षापी विशेष उद्यम करता सहजा बौद्धवाद जोग साधना द्वारा द्वैत मध्य अद्वैतर उपलब्धि और से ही उपलब्धि मध्य सहज आनंद लाभ निर्देशित और प्रचारित करते हैं यह तात्विक तात्पर्य और आध्यात्मिक सौंदर्य अतृप्त जौनाकांक्षा और कामरालसा द्वारा पुणी विड़म्बित
ପଡ଼ିଥିଲା। ସହଜିଆ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦରେ ଯୋଗ ସାଧନର ଉପାୟ ସବର ଓ ସବରୀ କପାଲିକ ଡୋମ୍ବି ବୋଧିଚିତ ବୈରାତ୍ମ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ରୂପକାତ୍ମକ ସଙ୍କେତରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ରୀତିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ତାହା ସାଧାରଣ ସାଧକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦୁର୍ବୋଧ ହୋଇ କ୍ରମେ ଏକ ଗୃହ ଅଭିଚାର ଓ ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ପରିଣତ ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟୁଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ନାଥ ଧର୍ମ ସହଜିଆ ବୋଧବାଦର ରୂପକାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ତତ୍ତ୍ୱର ଜଟିଳତା ପୁଣି ସାଧନାର କୁଟିଳତା ପରିହାର କରି ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଅନାସକ୍ତ ଓ ବିତସ୍ପୃହ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଣ ବା ମୁକ୍ତିଲାଭର ଉପାୟ ପ୍ରଚାରିତ କରିଥିଲା। ଐତିହାସିକଙ୍କ ଏପରି ଆଲୋଚନା ବେଶ୍ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତେବେ ଏହି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଓ ନାଥଧର୍ମମୂଳକ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଯେ ପ୍ରାକ୍ ସାରଳା ଯୁଗରେ ଆଦ୍ୟ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ତୋଳିଥିଲା ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହି ରଚନାଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ କିପରି ରହିଅଛି ତାହା ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ 18-19 ପଢ଼ିବା।